नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं एल्गी का प्रैक्टिस सेट। चूँकि आपका जो ऐप पर है पूरी एल्गी फिनिश हो चुकी है, तो अभी आपके लिए जो आपका जो एल्गी है वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है सवाल। तो जब पूरा एल्गी समाप्त हो गया तो उसके प्रैक्टिस सेट भी लेके आए, जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना, और एक आपको डाटा भी मिल जाए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछते हैं, बने कैसे हैं। ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले, ये भी चूँकि ये वीडियो आपका ऐप पर भी जाएगा प्रैक्टिस के लिए आपके, चूंकि आपका जो एलगी है पूरा ख़त्म हो चुका है, और ये आज यूट्यूब पर भी अपडेट करेंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो अपडेट नहीं हुआ है इसलिए। तो आप ये, और एक कारण ये भी था कि जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि जो हमारा टीजीटी का रिजल्ट 2021 का आया है, तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 70+ छात्रों का सिलेक्शन हुआ है फाइनली। तो जब इतने बड़े लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो 2 दिन से कल जैसे कि ऐप पे वीडियो अपडेट नहीं कर पाए थे, उसका बड़ा रीज़न ये था कि बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल और बधाइयाँ और इस तरह का, लोग जिनका हो रहा है तो वो लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रही। आज भी आज चूंकि पीजीटी का रिजल्ट आ गया, तो उसमें जो इंटरव्यू के लिए लगभग 40+ लोग हुए थे, और पीजीटी बायोलॉजी का भी फाइनल रिजल्ट आ गया इंटरव्यू के बाद, तो उसमें से भी लगभग 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ। और तो ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी हमारे मित्र हैं जिनका टीजीटी पीजीटी दोनों में हुआ, तो उनकी लगातार फ़ोन कॉल आना और बधाइयाँ और इस तरह से। तो थोड़ा सा सबको सुनना है, और चूंकि सब परिवार के सदस्य हैं और सब ने बड़ी सफलता पाई है, तो उनके खुशियों में हम भी शेयर हैं, और वो पूरे परिवार के साथ खुशियां शेयर कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व तो है कि सबकी बातें सुनना, सबको सही मार्गदर्शन करना। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा है कि मैं नोट्स भी नहीं बना पा रहा हूँ ये 2 दिनों से, चूंकि लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने कहा ये प्रैक्टिस सेट आपसे करवा दिया जाए, चूंकि ये बाद में करवाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, गिवेन बिलो इज द लिस्ट ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट एंड दियर फील्ड ऑफ रिसर्च, यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से वो कह रहा है कि जो वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं, ये वैज्ञानिक के नाम दिए हैं, ये उनकी फील्ड दी है, तो कहता है इनमें से वो कौन सा है जो मैच नहीं है। तो देखिएगा, एक एक को देखते हैं। तो वाई भारद्वाज का जो कार्य है वो एल्गोलॉजी पर है, बिल्कुल एल्गोलॉजी पर वाई भारद्वाज ने काम किया है। डीडी पंत पेलियो बॉटनी पर इनका बहुत अच्छा योगदान है। ध्यान रखिएगा, बीरबल साहिनी के बाद अगर भारत में, वैसे फादर आप जब बोलते हैं, फादर ऑफ पेलियो बॉटनी किसे बोलते हैं, फादर ऑफ पेलियो बॉटनी बोलते हैं महेश्वरी को, किसको बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं बीरबल साहिनी को, बीरबल साहिनी को बोलते हैं। ये फादर ऑफ क्या है, पहले पहली बॉटनी है बीरबल साहिनी, तो बीरबल साहिनी को बोलते हैं। और उनके बाद जो सबसे ज्यादा काम किया वो डीडी पंत ने किया। किसने किया, डीडी पंत ने। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है डीडी पंत से, वो पूछते हैं कि इन्होंने जो डीडी पंत है, जिम्नोस्पर्म को कितने भागों में बांटा था, जिम्नो स्पर्म को कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में डिवाइड किया था। याद रखिए, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है, तो ये डीडी पंत से याद आया। तो इन्हीं के साथ इन्होंने काम किया है कहीं, और उसके बाद भी ये काम करते रहे, तो ये भी संबंधित है। और फादर आप पेलियोबॉटनी किसे बोलते हैं, तो बीरबल साहिनी को बोलते हैं। इन्हीं बीरबल साहिनी के नाम पे, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में एक पेलियोबॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीरबल साहिनी के नाम पर। दूसरा, यम ओपी अयंगर। यम ओपी अयंगर क्या है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। यम ओपी अयंगर को फादर ऑफ इंडियन क्या बोलते हैं, एल्गोलॉजी बोलते हैं, एल्गोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। भारत में एल्गोलॉजी का मतलब होता है शैवाल विज्ञान के पता सॉरी पिता। यम ओपी अयंगर को कहा जाता है। यम ओपी अयंगर ने जो अपना कार्य किया था, और ये जो शिष्य थे किनके थे, फ्रिश के। फ्रिश क्या थे, फादर ऑफ, जो फ्रिश की बात करते हैं तो वो क्या थे, फ्रिश फादर ऑफ एल्गोलॉजी, वो क्या है, एल्गोलॉजी। और उनके ये चेला हैं, मतलब उनके शिष्य हैं, तो ये भारत में एल्गोलॉजी के पिता हैं। यम ओपी अयंगर का एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क्वेश्चन बना है, और
कि इन्होंने किसकी खोज की थी, तो एक बहुत बड़ा अच्छा एल्गी है, ध्यान रखिएगा, उस एल्गी का नाम है फ्रिशियेला ट्यूबरोसा। फ्रिशियेला ट्यूबरोसा रोसा ये नाम है, इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी ये सहवाल की, फ्रिशियोला ट्यूबरोसा। और ये कैसा है, ये ट्रेस्ट्रियल सहवाल है, यानी लैंड पर पाया जाने वाला सहवाल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और तो ये हमने सारी, और पंचानन महेश्वरी क्या है, जो पंचानन महेश्वरी है ये, मतलब ये नहीं कि मतलब हम क्वेश्चन को वो कर रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ है कि पूरे के पूरे डाटा देख लीजिए, क्वेश्चन चूंकि यहाँ से बने हैं, एक क्वेश्चन ये तो एक है, यहाँ 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का डाटा आपको मिल रहा है। अब पी महेश्वरी क्या है, तो जो पी महेश्वरी है इनको पंचानन महेश्वरी करते हैं कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भारत में एम्ब्रियोलॉजी का पिता कहते हैं, भारत में एम्ब्रियोलॉजी का पिता कहते हैं। तो यमोपी अयंगर को आपने देखा कि फादर आप जब एल्गोलॉजी हैं, फादर आप क्या है, एल्गोलॉजी हैं, और यहाँ क्या दिया, ब्रायोलॉजी, तो यही आंसर ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हम बिल्कुल सी को बिल्कुल 100% टिक कर देंगे। अब आता है बहुत उम्दा और टफ क्वेश्चन है, कठिन, वो कहता है सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन, सीव लाइक, वो नहीं कहा कि सीव सेल किस में पाई जाती, नहीं, सीव कोशिकाओं की तरह कोशिका किस में पाई जाती है, तो लैमिनेरिया में देखने को मिलती है, किस में देखने, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया क्या है, एक ब्राउन एल्गी है, भूरी सहवाल है, ब्राउन एल्गी है, और ये क्या है, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, तो इससे हम आयोडीन भी प्राप्त करते हैं लैमिनेरिया से, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑस्लेटेरिया कैसी है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, कैसी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब नील हरित शैवाल है, इसको भी ध्यान में रखें। साइटोनिमा, साइटोनिमा की खास बात क्या होती है, इसमें स्यूडो ब्रांचिंग पाई जाती है, स्यूडो ब्रांचिंग पाई जाती है, स्यूडो ब्रांचिंग उपस्थित रहती है, किसमें, साइटोनिमा में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जिलेडियम, जिलेडियम से अगर अगर प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिए क्या प्राप्त करते हैं, अगर अगर, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, तो यहाँ कम से कम आपके 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एल्गी फाउंड इन द स्नो आर कार्ड, वो सहवाल जो किस पर पाई जाती है, तो जो सहवाल प्राय पाई जाती है बर्फ पर, उसको क्या कहते हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलता है, कहता है उसको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं, और दूसरा कहता है क्रिप्टोफाइट्स हो गया, और क्रायोफाइट्स ये हो गया, क्रिप्टोफाइट्स, क्रायोफाइट्स, क्रोमोफाइट्स और ननाब्दीज। तो पहले क्रिप्टोफाइट्स का मतलब समझ लें, क्रिप्टोफाइट्स क्या होता है, तो कहता है क्रिप्टोफाइट्स जो एल्गी होते हैं जनरली फाउंड इन लो टेम्परेचर, कहाँ पाए जाते हैं, जनरली फाउंड इन लो टेम्परेचर, फाउंड इन लो टेम्परेचर, ऐसे सवाल जो प्रायः लो टेम्परेचर पर पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्रिप्टोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। तो आंसर हम लगा देंगे इसका क्रिप्टोफाइट्स ही, क्या लगा देंगे, क्रिप्टोफाइटिक एल्गी बोलते हैं या क्रिप्टोफाइट्स बोलेंगे, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर होते हैं, तो सिंपल सी बात है इनको क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। और क्रिप्टोफाइट्स में कुछ विशेष सवाल आते हैं, जैसे रेड स्नो, रेड लाल बर्फ का हो जाना, रेड स्नो, रेड स्नो किससे होता है, क्वेश्चन बना है, तो ये बना है क्लामाइडो मोनास निवेलिस, निवेलिस, इसके कारण बर्फ कैसी हो जाती है पहाड़ों की, हमें लाल दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ लाल हो, और ये इनमें पिगमेंट कौन सा होता है, तो इसमें पिगमेंट होता है हिमाटोक्रोम पिगमेंट होता है, कौन सा होता है, हिमाटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, क्रोम पिगमेंट पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको और जानकारी दे दें, चूंकि ये यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है, तो हम आपको जानकारी दे दें कि आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले स्टोर से ये लिख कर जैसे करेंगे, तो जो हमारा यूट्यूब का सिंबल है वो ये वाला,
ये वाला, जैसे ही करेंगे ये वाला सिंबल आएगा, उसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा साइन अप का, तो साइन अप जैसे करेंगे तो लॉगिन, आपको ईमेल आईडी, नाम और सब डिटेल देनी है, सबमिट करेंगे वैसे लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जैसे ही इंटर करेंगे तो 899 वाला एक मेंबरशिप शुरू हुई है, क्योंकि ईएलटी को टारगेट करके बैच शुरू हो चुके हैं और इसकी तैयारी में 8 से 9 माह तो लगना ही है आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करते करते, तो इसलिए आप तुरंत ज्वाइन हो, चूँकि बड़ी वैकेंसी आएगी, आपकी सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। और आपने आउटपुट डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का देख लिया है, जहाँ से 70+ छात्र टीजीटी में सिलेक्ट हुए हों, जहाँ 40+ छात्र आपके पीजीटी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हों, जहाँ लगभग 10 छात्रों का फाइनली पीजीटी में सिलेक्शन हुआ हो, तो और तीसरी जो रैंक है, थर्ड जो रैंक है वो पीजीटी की, वो डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य की है, और क्या चाहिए। 899 की मेंबरशिप के बाद इतना कोई भी को अच्छे से अच्छा कोचिंग संस्थान आपको नहीं दे सकता। और देखते हैं, हम रात्रि को आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके अलावा सारे वीडियो आपको ऐप पर क्लासें मिलेंगी नॉर्मल। अच्छा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। इनमें से जो दिए गए हैं एल्गा, जैसा कि स्पायरोगायरा दिया गया है, बाउचेरिया दिया गया है, स्पायरुलिना हाइड्रोडिक्टियन, उसने कहा है कि अच्छा सोर्स एडिबल प्रोटीन का, एडिबल प्रोटीन मतलब होता है खाने योग्य प्रोटीन किससे प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा खाने योग्य प्रोटीन जो प्राप्त होती है स्पायरुलिना से प्राप्त होती है। किससे? स्पायरुलिना से प्रोटीन प्राप्त होती है, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, यही स्पायरुलिना से प्राप्त प्रोटीन जो स्पेस में लोग जाते हैं उनको भी दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण, स्पायरुलिना की संरचना कैसी होती है शैवाल की, तो ये इस तरह से स्पाइरल होता है, उच्च कोटि की इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। स्पायरोगायरा क्या है? एक क्लोरोफाइसी का सदस्य है। क्लोरोफाइसी यहाँ खास करेक्टर इसका क्या है, इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पाइरल। बाउचेरिया कैसा? ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है और एक्वाटिक एल्गी भी है। बाउचेरिया जेंथोफाइसी में भी रखा जाता है और बाउचेरिया को क्लोरोफाइसी में भी रखा जाता है। हाइड्रोडिक्टियन को नेट एल्गी के नाम से जानते हैं, नेट एल्गी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा डाटा आपके लिए उपलब्ध कराया। अब बात करते हैं द क्लोरोप्लास्ट ऑफ उडोगोनियम। उडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कहता है कप शेप्ड होता है, डिस्क्वाइड होता है, या स्टार शेप्ड होता है, या रेटिकुलेट होता है। तो उडोगोनियम की बात बताएं, ये एक क्लोरोफाइसी का सदस्य है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है, और हमने आपको पढ़ाया है इसका जो होता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है जब इसकी हम कोशिका को देखते हैं, ये कुछ इस तरह से इसकी सेल हमें, ये तो उसमें देखेंगे इस तरीके से जालिकावत, इस तरह जाल की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है फैला रहता है, तो ऑप्शन डी लगाएंगे कि उसका कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। दूसरा, स्टार शेप्ड किसका होता है? तो प्राय जिग्निमा का होता है। किसका होता है? जिग्निमा। जिग्निमा की जब सेल की बात करेंगे, ये क्वेश्चन बने हुए हैं सारे, तो चूंकि एक के साथ 10 क्वेश्चन फ्री आपको मिल रहे हैं, इस तरीके से स्टार शेप, या ऐसे बोल दें ही ऐसे, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कैसे होते हैं? स्टार शेप्ड, स्टार के आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो किसमें? जिग्निमा में। कप शेप्ड किसमें पाया जाता है? तो कप शेप्ड क्लमाइडोमोनास मोनास में प्रायः देखने को मिलता है। और ये हमने आपको जितनी भी क्लास हमने ली है, आप अगर हमारी क्लास ली है अपने ऐप पर, जो भी हमें ऐप पर लोग देख रहे हैं, आपने क्लास ली है उसका एलगी देखा है, यहाँ एक भी ऐसा ऑप्शन बता दो जो आप ना सॉल्व कर पा रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन बता दो जो आपको मतलब अटक रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन आप यहाँ बता दीजिए जो हमने आपको ऐप पर क्लास में ना पढ़ाया हो, और वो भी डिटेल में और बहुत विधिवत तरीके से, तो देख लीजिएगा। अच्छा, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉयड एंथ्रीडिया एंड उगोनिया। तो देखिए, पहले एंथ्रीडिया क्या होता है? तो एंथ्रीडिया प्राय मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब होता है नर जनन अंग होता है। इसके अलावा जो उगोनिया होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव
आर्गन्स होता है। तो ये प्राय एंथ्रीडिया और उगोनिया जो स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये इसमें एक उसने वर्ड यूज़ किया है, डिप्लॉयड शब्द ये यूज़ किया है। तो डिप्लॉयड किस में पाई जाएंगी, तो ये प्राय सार्गासम में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, सार्गासम में। कारा से जो क्वेश्चन बनता है, तो कारा से ग्लोब्यूल, ध्यान रखिएगा सारी ग्लोब्यूल और नोक्यूल दो शब्द बनते हैं। ग्लोब्यूल जो होता है वो एंथ्रीडियम की तरह काम करता है, और नोक्यूल जो होता है वो उगोनियम की तरह काम करता है। ध्यान रखिए यहाँ से ये क्वेश्चन। बाउचेरिया से जो क्वेश्चन पूछता है वो साइफनस एल्गी को लेकर पूछता है, टेरेस्ट्रियल को लेकर पूछता है, और बाउचेरिया खास कंडीशन होती है, सीनोसिटिक इसमें कंडीशन होती है, यानी सारे केंद्र कैसे ही मल्टी न्यूक्लियट दिखाई देती है। कोलियोकीट क्या है, कोलियोकीट से भी बात होती है, तो ये हाइट्रोट्राइकस होता है। कैसे होता है, हाइट्रोट्राइकस होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें खास संरचना सीटी पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सार्गासम की बात कर रहे थे, यहाँ आपको एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 8 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 8 क्वेश्चन का डाटा दिया गया। कम समय में ज़्यादा चीज़ें लेना और ज़्यादा चीज़ों की जानकारी रखना, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, इतना ज़्यादा कोई भी कोचिंग संस्थान के 70-80 छात्र उसके TGT में सिलेक्ट हुए हों, और बकाया PGT में इंटरव्यू के लिए इतनी बड़ी कॉल आना, फिर उसके बाद फाइनली सिलेक्शन होना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये देख लीजिएगा हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, और चूंकि ये YouTube पर आया इसलिए डाटा दे रहे हैं, इसके बाद का वीडियो नहीं आएगा, तो आप देख लीजिएगा, ये हमारा है यूट्यूब का है। सर मेरा भी सिलेक्शन हुआ है शीतल कुमार सिंह के नाम से UPPGT में, तो देखिए सभी ने ये रोल नंबर भी अपना पेस्ट किया है, तो आप देख लीजिएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए तो वीडियो जो ऐप पर भी एक कल से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि भाई सबकी हमें सुनना भी है, और चूँकि सबकी हमारे परिवार के सदस्य हैं तो सबकी हमें सुनना भी है। तो अभी हम आपको और दिखाते हैं, ये सर आई गॉट 3rd rank इन UPPGT, देख लीजिएगा। अक्षिता वर्मा का 3री रैंक है UPPGT में, और बहुत सारे लोग हुए हैं। अब बस ये PGT का बता रहे हैं, TGT का अगर देखने बैठेंगे तो कम से कम आधा घंटा आपको हम दिखाते रहेंगे। और ऐसे भी हैं हमारे मित्र, देखिएगा ये इस पे नज़र डालिएगा, ये देखिएगा। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सिलेक्टेड फॉर TGT एंड PGT बायोलॉजी 2021 बोथ, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो भाई आशीर्वाद तो हम सबको बना ही रखते हैं, और सब हमारे बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं, आपका हुआ समझ लो हमारे घर के सदस्यों का हुआ। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सिलेक्शन बोथ TGT एंड PGT, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का हुआ है, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये चूंकि ऐप पर वीडियो उस पे आना है आपके, तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है उसकी भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8 नंबर, द थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज, पॉलीसाइफोनिया के थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि जितने भी ऐप पर आपको क्लासें हुई हैं, अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए तो हमें आप बताइएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो पहले ये ऑर्गेनाइजेशन देख लेते। यूनिएक्सियल किस में देखने को मिलता है, तो यूनिएक्सियल आपको बैट्रैकोस्पर्मम में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, बैट्रैकोस्पर्मम में, स्पर्मम में का यूनिएक्सियल देखने को मिलता है। ये कैसा है, रेड एल्गी है। कैसा है, रेड एल्गी। और बैट्रैकोस्पर्मम की खास बात है, यही एक ऐसा एल्गी है रेड का जो फ्रेश वाटर है, जल फ्रेश वाटर में पूछा जाता है, PGT में क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, मल्टी एक्सियल किस में पाया जाता है, तो मल्टी एक्सियल का मतलब होता है कई सारे एक्सेल का पाया जाना, इस तरीके से। ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका है, तो पॉलीसाइफोनिया का है। तो कैसा पाया जाता है, मल्टी एक्सियल पाया जाता है। साइफोनेसियस कौन है, तो बाउचेरिया, भी हमने आपको बताया था बाउचेरिया। तो सारे हमने एग्जाम्पल आपको दे दिए, तो ऑप्शन इसका हम क्या करेंगे, सी को सही करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है वो एल्गी जो समूह में पाए जाते हो। किस में पाया जा रहा है, समूह में। तो इसमें से कौन सा एल्गी समूह में पाया जा रहा है, तो वो है वॉलवॉक्स। तो सही करेंगे, वॉलवॉक्स समूह में पाया जाता है। और ये भी पूछता है,
कॉलोनी, तो सिनोबियम कॉलोनी पाई जाती है। सिनोबियम, सिनोबियम कॉलोनी क्या होती है, जिसमें एल्गी की जो संख्या होती है यानी जो वॉलवॉक्स की संख्या होती है वो डेफिनेट होती है या निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित। इस प्रकार की कॉलोनी को हम सिनोबियम कॉलोनी के नाम से जानते हैं। क्लमाइडोमोनास तो आप सब जानते हैं, इसका खास करेक्टर कपसेप्ड क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, खास करेक्टर है कपसेप्ड क्लोरो प्लास्ट का पाया जाना, विशेष लक्षण है। ओडोगोनियम, ओडोगोनियम से क्वेश्चन आता है नैंडोरस और मैक्रोंडोरस, उसको याद रखिएगा। ओडोगोनियम का एक और खास करेक्टर है कैप्सेल का पाया जाना, कैप्सेल का पाया जाना, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाउचेरिया भी हमने आपको बता ही दिया है। बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन, बेंथिक का मतलब होता है जो जल से संबंधित हो, तो ऑप्शन है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम, इनमें जितने भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहे हैं हर एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में बना है, और चाहे वो पीसीएस में बना हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, या हायर एजुकेशन का हो, केवीएसएन, वही क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इनमें से कौन सा है, तो आप बताइएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पैरासिटी जब ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो सिफेल्यूरस का आता है। किसका आता है? सिफेल्यूरस। सिफेल्यूरस का जो पूरा नाम है सिफेल्यूरस वीरेसेंस, क्या बोलते हैं, सिफेल्यूरस वीरेसेंस के नाम से जानते हैं। ये करता क्या है? तो ये प्रायः रेड करता क्या है, तो रेड रस्ट ऑफ टी फैलाता है, रेड रस्ट ऑफ टी फैलाता है, अर्थात तो तम उसका तो वो कौन सा होता है, सिफेल्यूरस होता है, सिफेल्यूरस। तो इससे क्या होता है, रेड रस्ट ऑफ टी होता है, टी का मतलब समझ रहे हैं, चाय का लाल जो रोग होता है पत्तियों का, उसकी बात कर रहा है, रेड रस्ट ऑफ टी होता है। इसके अलावा रेड रस्ट ऑफ की भी कॉफी भी बोलते हैं, तो ये उसका है। नॉस्टॉक तो जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखने को मिलती है, ओडोगोनियम बताई चुके हैं। और अब हम बात करते हैं जायगोटिक मियोसिस की। जायगोटिक मियोसिस प्रायः हमें किस में देखने को मिलता है, जायगोटिक मियोसिस। तो जायगोटिक मियोसिस का मतलब क्या होता है कि जायगोट में मान लेते हैं ये जायगोट फर्टिलाइजेशन, ये मान लेते हैं एक गैमीट है, ये एक है, ये जब दोनों मिले तो ये हमारा क्या बन गया, अंतोगत्वा जायगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये अभी यन है तो ये कैसा होगा, टू यन होगा, तो इसका मतलब प्लांट अगर हैप्लॉइड होगा तो इसका मतलब इसमें कैसा हो, मियोसिस हो। तो इसमें मियोसिस किस में देखने को मिलता है, तो पराय कारा में ये क्रिया देखने को मिलती है। एक्टोकार्पस सार्गासम और पॉलीसाइफोनिया इनमें से जो हैं वो फियोफाइसी के सदस्य हैं और रोडोफाइसी के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, कहता है क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन, क्लोरोफिल बी किस में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल बी प्रायः ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं देखने को मिलता है। देखिए क्लोरोफिल जो ए है वो कॉमन होता है, मगर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। बकाया यो मासेस है, ग्रीन एल्गी है, फंस है, सब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन N2 फिक्सर इन द पैडी फील्ड, पैडी फील्ड हमने आपको बताया था, ये जब क्लास ले रहे थे आपकी तो हमने बताया था, जब आप ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पढ़ा रहे थे ऐप पर, तो हमने बताया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सर अगर कभी पैडी फील्ड की बात कर दे तो आलोसिरा को ही सही करना है। किसको करना है, आलोसिरा को। कहीं कहीं नॉस्टॉक भी दिया रहे, अगर आलोसिरा ना हो, ध्यान रखिएगा केस क्या होगा, अगर आलोसिरा ना हो उसकी जगह क्या हो, नॉस्टॉक हो, तो फिर नॉस्टॉक को सही करेंगे। यदि आलोसिरा नॉस्टॉक दोनों अलग अलग दिया हो तो आलोसिरा को सही करेंगे, ध्यान रखिएगा। यदि दोनों दिया हो आलोसिरा और नॉस्टॉक तो दोनों को सही करेंगे। तो दोनों कंडीशंस बता दी कि किस केस में आपको किसको सही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सो द हेट्रोट्राइकस हैबिट, इनमें से हेट्रोट्राइकस हैबिट कौन सो करता है, बताइएगा हेट्रोट्राइकस हैबिट कौन सो करता है, तो आप बताएं इसमें। तो हेट्रोट्राइकस हैबिट इनमें प्रायः किसी में नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ओडोगोनियम ऑस्लेटोरिया जिग्निमा आदि में हेट्रोट्राइकस कंडीशन नहीं देखने को मिलती। हेट्रोट्राइकस कंडीशन का मतलब होता है जो प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों प्रकार के फिलामेंट्स देखने को एक साथ मिले, तो उसकी बात कर रहा है। तो ऐसा इसमें किसी में देखने को नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
प्लांट डज नॉट हैव पायरीनोइड्स। कहता है ये जो पौधे दिए हैं इनमें वो कौन सा पौधा है जिनमें पायरीनोइड्स नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए सिलेजनेला की पहले बात कर लेते हैं। सिलेजनेला किससे संबंधित है? तो सिलेजने एक टेरोडोफाइट्स है। क्या है? टेरोडोफाइट्स है, ध्यान रखिएगा, सिलेजना एक टेरोडोफाइट्स है जिनमें खास करेक्टर होता है कि यही एक ऐसा है टेरोडोफाइट्स में जिसमें पायरीनोइड्स पाए जाते हैं। 100% इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि वो कौन सा टेरोडोफाइट्स है जिसमें पायरीनोइड्स पाए जाते हैं, तो स्लेजनेला है। सबसे ज़्यादा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टारगेट करता है वो स्लेजनेला को करता है। दूसरा क्लमाइडोमोनास, चूँकि ये एल्गी है, सहवाल है, और रेड एल्गी वो ग्रीन एल्गी है यानी क्लोरोफाइसिक सदस्य, तो इसमें भी पाया जाएगा। एंथोसिरोस, एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है। ये कैसा ब्रायोफाइट्स है जिनमें पायरीनोइड्स पाए जाते हैं? पायरीनोइड्स क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, ये ब्रायोफाइट्स है, ये भी सही है। साइटोनिमा क्या है? ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो पायरीनोइड्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका ए सही करेंगे। हमने यहाँ 3-4 आपको डाटा उपलब्ध करा दिया है। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ऑस्लेटोरिया इज ड्यू टू, जो ब्लू ग्रीन कलर होता है वो ऑस्लेटोरिया में किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल ए तो हमने कहा था कॉमन है, इसके अलावा फाइकोसाइनिन, इन दोनों के कारण होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इज मियोटिक इन, जायगोट में पहला डिवीजन मियोटिक किस में होता है? तो वो प्रायः एल्गी में होता है। किस में होता है? एल्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सार्गासम मियोसिस अकर ड्यूरिंग, सार्गासम में जो मियोसिस होता है वो किस समय होता है? तो सार्गासम में जो मियोसिस होगा वो गैमेट फॉर्मेशन के समय होगा। क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन के समय यानी एंथ्रीडिया में, एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया, इन दोनों संरचनाओं में मियोसिस होगा, तब इसमें क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। फिर गैमीट क्या करेंगे? आपस में फ्यूजन करेंगे, फिर बनाएंगे जायगोट। क्या बनाएंगे? जायगोट। ये है क्रम। तो किस में होता है? गैमीट फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एल्गी स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट, मतलब स्टार सेप्ड, इसका मतलब क्या? स्टार सेप्ड अर्थात तारे के आकार का इस तरह। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड, इनमें किस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा कास्मेरियम में पाया जाता है, जिग्निमा में तो अभी हमने बताया पाया जाता है, स्फेसिलेरिया इसमें भी पाया जाता है, मगर पोरफायरा एक ऐसा है जिसमें स्टार सेप्ड क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन हम इसका क्या सही करेंगे? ए को सही कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि, तो ये साइनो शब्द क्यों लगाया गया? साइनो का मतलब है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया से संबंधित समझ लीजिए, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया शब्द क्यों लगाया गया? बैक्टीरिया होते कैसे हैं? तो बैक्टीरिया खास करेक्टर है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? लाइक द ट्रू न्यूक्लियस, जिनमें जो वास्तविक केंद्रक है उसका अभाव होता है यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसी कारण मान लेते हैं ये बैक्टीरिया क्या है। तो देख लेते हैं दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, अरे तो बस यही वाला हम लोग सही कर लेंगे भाई, इनमें बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। कार्पोस्पोर ऑफ द बैटकोस्पर्मम, बैटकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर कैसा होता है और चीख चीख कर, इसको हमने आपको बताया था बैटकोस्पर्मम जब हमने आपको पढ़ाया था तो पूरी की पूरी जानकारी दी थी, और तो कार्पोस्पोर बैटकोस्पर्मम का कैसा होता है आप लोग बताइएगा हमें कैसा होता है। तो इसका जो कार्पोस्पोर होता है, पहले दो शब्द देख लीजिए, जो कार्पोस्पोर होता है, कार्पोस्पोर बैटकोस्पर्मम का, वो हरदम हैप्लॉइड होता है, और जो पॉलीसाइफोनिया है, ये पॉलीसाइफोनिया जो है, पॉलीसाइफोनिया का अगर बोलेंगे कार्पोस्पोर तो वो डिप्लॉइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ चूंकि दूसरा दिया है नेकेड एंड नॉन मोटाइल होता है, चूंकि ऑप्शन तो वो नहीं है, मगर नेकेड एंड नॉन मोटाइल को हम सही कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन यहीं 22 तक ही हमने आपके लिए ले लिए थे, सारे क्वेश्चन आपको बता दिया है, तो बस ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि ऐप पर अभी हमने आपको अपनी समस्या बता भी दी कि आज ऐप पर क्लास इसलिए नहीं हो रही है आज और कल, चूंकि कल जो रात्रि में, उससे पहले रात्रि में TGT का रिजल्ट आया था, तो जब आपके साथ 70 लोग जब हो रहे हैं सिलेक्ट, तो भाई अब बधाइयों का भी सिस्टम है, सब लोगों की कॉल आ रही हैं और लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है, भाई जिनका हो रहा है तो बहुत खुशी की बात तो है ही है, और इतनी संख्या में कॉल रिसीव करना, सब लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अब कल भी हमें समय नहीं मिल पाया। आज मॉर्निंग में जैसे सो के जगे तो लगातार आप लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए, सर हमारा PGT में हो गया, तो इस तरह से आज भी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, तो इसलिए नहीं आ रहा है। और इसके आगे का जो LG की जो क्लास आएगी 22 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐप पर ही उपस्थित रहेंगे, वो यूट्यूब पर नहीं आएंगे, और अगर जिसको भी ऐप पर जुड़ना है वो हमसे जुड़ सकता है, ऐप डाउनलोड कर सकता है, मेंबरशिप ले सकता है मामूली सी। मैं वादा करता हूँ कि सिलेक्शन श्योर है, बस आप हमारे साथ लगे रहिए। इसी के साथ नमस्कार।